मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगढ़ के दुलीपट्टी में देश व सुरक्षा हित में एसएसपी कैंप निर्माण तो ठीक है, लेकिन सैकड़ों किसानों का 75 एकड़ उपजाऊ भूमि बिना मुआवजा के ही एसएसपी कैंप के द्वारा बंदूकों के बल पर जबरन प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च न्यायालय पटना केस 18822/2012 के तहत यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद फसल लगे 75 एकड़ भूमि पर कब्जा करना और पीड़ित किसानों द्वारा अपने हक की आवाज उठाने वाले किसानों पर झूठे आरोप में जेल भेजने की धमकी देने के खिलाफ आंदोलन करेगी पार्टी। NH 527B के बगल में उपजाऊ भूमि व आवासीय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नए तरीके से 4 गुना मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की किसानों की मांग का समर्थन पार्टी करती है। अरण फरण में किसानों के जानकारी दिए बिना कागज पर भू अर्जन विभाग में वर्ष 2012 को भूमि अधिग्रहण कर चुके हैं, लेकिन फसलों गेहूं दलहन लगे खेतों का दलबल के साथ 16 अप्रैल 2022 को किसानों के विरोध के बावजूद उक्त भूमि पर एसएसबी को कब्जा कराया गया। जयनगर भाकपा माले जयनगर की जांच कमेटी द्वारा धूलीपट्टी के सैकड़ों किसानों का 75 एकड़ भूमि भी अवैध तरीके से 16 अप्रैल को अधिग्रहण कर लिया गया, जिस पर दुलीपट्टी जाकर जांच पड़ताल से उपरोक्त वादों का पता चला है। भाकुमाले जयनगर के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने अपनी टीम के द्वारा कराई गई जांच उपरांत कहा कि सरकार के द्वारा एसएसपी कैंप स्थापित करना देश व सुरक्षा हित में सराहनीय कदम तो है, दूसरी ओर किसानों को बिना सहमति तथा बिना मुआवजा के ही बलपूर्वक खेतों में लहलहाती फसल गेहूं रवि आदि लगे रहने के बावजूद जिला पदाधिकारी मधुबनी ने उक्त भूमि पर कब्जा करने का अपना ज्ञापांक 201 दिनांक 29 मार्च 2022 के तहत जिला के कई अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं अमीन को आदेश देते हुए आयुक्त दरभंगा कमांडेंट एसएसबी सहित कई अधिकारियों को भूमि पर 16 अप्रैल को कब्जा संबंधित पत्राचार की है, जबकि दुलीपट्टी के किसानों का 2007 में अधिग्रहण की शुरुआत किया गया था। 136 किसानों को नोटिस 9 मार्च 2007, नापी नोटिस 21 जनवरी 2009 को भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसानों को जानकारी दिया गया था और भू अर्जन विभाग मधुबनी के द्वारा कागज पर ही वर्ष 2012 को भूमि अधिग्रहण कर एसएसबी को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें 6 किसान मुआवजा लेकर भूमि दे दिए हैं। उक्त भूमि पर वर्षों से एसएसबी का कैंप बना हुआ है और शेष भूमि पर किसानों द्वारा लगातार फसल उगाया जा रहा था। किसानों का कहना है कि 2014 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत और भूमि की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 4 गुना मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर उच्च न्यायालय पटना में दर्ज की गई मुकदमा संख्या 18822/2012 के तहत उक्त भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। हमारी पार्टी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसानों की सहमति तथा उचित मुआवजा दिए बिना बंदूकों की नोक पर डरा धमका कर अपमानजनक व्यवहार कर कई वर्षों बाद उक्त भूमि पर कब्जा करने का तीव्र निंदा करते हुए सरकार से मांग करती है कि किसानों की बात पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए किसानों की समस्याओं का निदान करते हुए उनकी सुरक्षा करें, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन करने को मजबूर होगी। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत दुल्लीपट्टी गांव के करीब 200 किसानों का सरकार के द्वारा जबरन 16 अप्रैल को जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि खेत में गेहूं का फसल लगा हुआ है, दलहन का फसल लगा हुआ है। ये सब लगने के बावजूद भी किसानों को किसी प्रकार का सहमति प्रदान नहीं किया गया और वर्ष 2012 में जिला पदाधिकारी के पत्रानुसार वह अधिग्रहण कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर अधिग्रहण वह 16 अप्रैल को किए हैं। इससे पूर्व किसानों के द्वारा वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय में भी गए हैं, उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन यह ऑर्डर को दरकिनार करते हुए किसान जो छोटा छोटा किसान है उसका जीविका उपार्जन के लिए यह भूमि है, जो भूगोलिक स्थिति होना चाहिए, NH के बगल की ज़मीन है, उसका उचित मुआवजा होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को दरकिनार करते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है। और जिस रोज अधिग्रहण हुआ है उस रोज किसानों के द्वारा जो विरोध किया गया, यह जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसे जेल भेजने तक की धमकी दिया गया, जिसका भाकपा माले निंदा करती है और SSB देश हित में सुरक्षा हित में अच्छा है, उसको यहाँ होना चाहिए, कैंप होनी चाहिए, लेकिन किसानों की सहमति उचित मुआवजा को देखते हुए
नहीं तो भाकपा माले इसके खिलाफ किसानों की पक्ष में आंदोलन करेगी। जिला से लेकर के प्रखंड तक ये आंदोलन चलाई जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर।